अस्सलाम वालेकुम जुलेखा के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। देखिए हमारा बगीचा में सेम हुई है, घिवरा झुगनी हुई है कुछ, उसको मैं तोड़ने जा रही हूँ। देखिए यही सब हुई है, झुगनी है एक, नीचे है सीम में फूल हो रही है, कुछ तोड़ ली हूँ, कुछ आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक इधर है नीचे, देखिए कुछ नींबू भी हुई है, एक आध दो ठो, दो चार ठो, उसको मैं एक दो ठो को तोड़ लूंगी। देखिए ये बड़ी हो गई है, देखिए ये छोटी है, थोड़ा थोड़ा और बड़ी होगी तो तोड़ूंगी। देखिए फूल खिली है गुलहर का, ये अमरूद का पेड़ है, फूल हो रही है, फल नहीं हो रही है, फूल हो के गिर जाती है। इसको मैं बड़ा ग्रो बैग में मैं लगाई हूँ, इससे पहले ही बाल्टी में थी, अब देखिए होती है कि क्या। इधर गेंदा का भी फूल हुई है, देखिए ये कद्दू हुई है, ये छोटी सी पेड़ में इसमें कीड़ा डंग मारने लगा, इसलिए मैं पॉलीथीन लगा दी हूँ। खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए छोटा सा कद्दू है, देखिए थोड़ा और बड़ी होगी तो मैं तोड़ूंगी। छोटा सा पेड़ है, यही सीम हुई है एक ही कद्दू, अब मैं इसमें फिर पॉलीथीन लगा दूंगी। देखिए ये कद्दू बहुत बड़ा पेड़ हो गई थी, बहुत मोटा इसका जड़ हो गया, मगर इसमें एक भी कद्दू नहीं हुई। अब इसको मैं उखाड़ने जा रही हूँ, इसको उखाड़ दूंगी तो रखने से कोई फायदा नहीं है। यह हल्दी का है, यहाँ भी सेम है, देखिए सेम फल रही है। देखिए मैं ये घिवरा तोड़ के लिए आई हूँ छत पर से, इसका मैं तरकारी बनाऊंगी। नींबू भी है और झिगनी है, घिवरा नहीं है झिगनी है, इसका मैं तरकारी बनाऊंगी। बिगर केमिकल का खाद, अपना घर का खाद का ये मैं रोपी हूँ, बहुत टेस्टी होगी तरकारी। आप लोग भी इसी तरह रोपिए सब्जी का पेड़, और आप लोग भी इसी तरह फल होगा तो आप लोग बना के तरकारी खाइएगा। देखिए ऑर्गेनिक सब्जी है तो बच्चों लोग को अपना खिलाइए, खुद भी खाइए। एक नींबू भी हुई है, और है नींबू लेकिन ये अच्छा बड़ा हो गया था इसलिए मैं तोड़ ली हूँ।
देखिए हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।